हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल में ये लिथियम आयन बैटरी जो कि 40 सेल का लगा हुआ है, 40 सेल की लिथियम आयन बैटरी का ये BMS, ये हमारा पुराना BMS ख़राब हो गया तो हमने चेंज करके ये नया BMS लगाया। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट वोल्टेज जितना है 36 वोल्ट वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम मल्टीमीटर की सहायता से ये सारे पॉइंट का वोल्टेज चेक करेंगे, एक एक सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर अपोजिट साइड में ये पॉजिटिव टर्मिनल्स, ऐसे करके एक एक सेगमेंट का हम ये इसका बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर पर हमने DC वोल्टेज सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगाया। आप देख सकते हैं कि ये बैटरी चार्ज है और 3.8 वोल्टेज दिखा रहा है। इसी तरह हम दूसरे सेगमेंट में लगा के चेक करेंगे 3.8, तीसरे सेगमेंट में लगा के चेक करेंगे 3.8, और लास्ट सेगमेंट में लगा के कंफर्म करेंगे कि बैटरी के सारे सेगमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं, तो 3.9। आप देख सकते हैं कि ये बैटरी प्रॉपरली चार्ज हो रहा है और इसके सारे सेगमेंट अभी प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम टोटल बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा लिथियम आयन चार्जर इसको चार्ज कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास कनेक्टर है, यहाँ से हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकालने के बाद ये अभी ग्रीन हो गया है, और जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं आपके सामने तो ये रेड हो गया। रेड होने का मतलब कि ये बैटरी अभी चार्ज होने लगा। जो BMS हमने ये नया वाला लगाया है ये ज़्यादा पावर का BMS है, ये ज़्यादा कैपेसिटी का करंट हैंडल कर सकता है, जिसके कारण ये हमारे साइकिल की मोटर को सही करंट देगा और हमारा साइकिल अच्छे पावर से चलेगा। इस BMS में आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग वायर दिए हुए हैं। इन तीन वायर में ये फर्स्ट वाला वायर है वो चार्जिंग का है, और बीच वाला डिस्चार्जिंग का है, और जो फर्स्ट वाला ये वाला है ये पॉजिटिव चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉमन वायर है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम टोटल वोल्टेज आपको दिखाएंगे कि इस बैटरी का अभी टोटल वोल्टेज कितना है। तो आप देख सकते हैं ये रेड वाला जो है वो पॉजिटिव वायर है, जिसमें हम ये पॉजिटिव वायर लगाएंगे, और आपके सामने ये मल्टीमीटर रख देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बैटरी इस लिथियम आयन बैटरी चार्जर से चार्ज हो रहा है, और हमने ये चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है ये सॉकेट। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग वोल्टेज कितना है। इसके लिए हम मल्टीमीटर की सहायता से एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर लगा के चेक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग वोल्टेज है 36.4। जब हम इस टर्मिनल को चार्जिंग वाले को डिसकनेक्ट कर देते हैं, डिसकनेक्ट करने के बाद जब हम देखेंगे चार्जिंग वोल्टेज कितना है, तो आपको चार्जिंग वोल्टेज मिनिमम शो करने लगेगा। लेकिन सेम यही जब हम इसको डिस्चार्जिंग वाले पॉइंट पर जो मोटर को सप्लाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वायर है, यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 35 वोल्ट के आसपास का दिखा रहा है, और हमारा बैटरी मतलब अभी जो करंट है वो 35 वोल्ट के लिए है। इस BMS के ख़राब होने के बाद, हमारा नया BMS लगाने के बाद, अब हमारा सर्किट पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम इसको प्लास्टिक रैप में लपेटने के बाद, प्लास्टिक रैप में डालने के बाद, अब हम इसको प्रॉपर यहाँ पर फिट कर देंगे, और इसके बाद हमारा साइकिल जो है अच्छा करंट के साथ लगभग 30 किलोमीटर का रेंज देने लगेगा। क्योंकि जो हमारे पास ये जो बैटरी है वो बैटरी 40 सेल का है, ये 10 AH की बैटरी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि BMS चेंज करने के बाद हमने बैटरी को पूरा अच्छी तरीके से रिपेयर कर दिया है, और इसका फिर से कनेक्शन दे दिया है जो कि बहुत अच्छा प्रॉपरली काम करने लगा है। बैटरी का वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है जो डिजिटल टाइप का वोल्ट मीटर है। अभी हम अपना लिथियम आयन चार्जर से ये बैटरी को चार्ज कर रहे हैं,
चार्जिंग वोल्टेज देखने के लिए इस वोल्ट मीटर को हमने एक स्विच के थ्रू यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ये स्विच हम जैसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा चार्जिंग वोल्टेज शो करने लगेगा, जो आपको वोल्ट मीटर में अभी 37.2 दिखा रहा है। जब हम इस सॉकेट को यहाँ से निकाल लेंगे जो कि हमारा चार्जिंग के लिए लगा हुआ है, तो ये अब हमें बैटरी का वोल्टेज दिखाने लगेगा कि इसने कितने वोल्ट का चार्जिंग होल्ड किया हुआ है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना बैटरी चार्ज हुआ है।